कंगना रनौत और एकता कपूर मिलकर शो लेकर आ रही है लॉकअप। शो को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है और कंगना शो की होस्ट है। और लॉकअप को लेकर जितने भी प्रमोशंस कंगना और एकता ने किए उसमें उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि अभी तक आपने टीवी पर जो शोज देखे हैं वैसा ये शो है ही नहीं, ये एकदम नया कंसेप्ट है। इनफैक्ट बिग बॉस शो पर भी तंज कसे गए और कहा गया कि ये किसी भाई का घर नहीं है, ये आपकी दीदी का घर है। इस तरीके से शो को प्रमोट किया जा रहा है, शो में कंटेस्टेंट्स को जेल में रखा जाएगा, इस तरह का कंसेप्ट है। 27 फरवरी यानी कि कल के दिन ये शो रिलीज होने वाला है और रिलीज से एक दिन पहले ही इस शो पर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। शो के लिए कहा जा रहा है कि एकता कपूर ने किसी का कंसेप्ट जो है वो चोरी किया है। खुद जिस शख्स ने इस शो का कंसेप्ट प्रेजेंट किया था उसी ने एकता कपूर पर अब केस किया है। हैदराबाद की रहने वाली सनोबर बेग का कहना है कि ये जो कंसेप्ट है लॉकअप शो का, जो एकता अपना कंसेप्ट कह रही है, वो कंसेप्ट मेरा है। ये शो 2018 में मैंने एंडमॉल शाइन के साथ डिस्कस किया था। इस शो का कंसेप्ट, शो का आइडिया, शो की स्क्रिप्ट सब कुछ मेरी ही है और मैं अकेली इसकी ओनर हूँ, कोई इसमें मेरा पार्टनर नहीं था। सनोबर ने कहा कि मेरी एंडमॉल श्राइन के अभिषेक से मीटिंग चल रही थी और मैंने अपने शो का कंसेप्ट उसे बताया, कई सारी मीटिंग्स उसके साथ की, लेकिन उसने मुझे कहा कि अभी मार्केट ठीक नहीं है कोविड के कारण, एक बार मार्केट ठीक हो जाता है उसके बाद हम इस शो को जरूर लाएंगे। लेकिन सनोबर तब शॉक रह गई जब उसने शो के प्रोमो और शो की रिलीज डेट टीवी पर और सभी तरफ देखी कि इस तरह का शो जो है लाया जा रहा है। सनोबर का कहना है कि मैंने द जेल करके शो का नाम सजेस्ट किया था, इन्होंने लॉकअप करके सेम कंसेप्ट पर शो बना दिया। सनोबर का कहना है कि मैंने जब प्रोमोस देखे तो मैं शॉक्ड रह गई कि सेम टू सेम कॉपी किया है, कुछ भी चेंज नहीं, बस नाम चेंज कर दिया है। इस हद तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले कॉपी करते हैं, जिसके बाद सनोबर ने इस शो के मेकर्स यानी कि एकता कपूर पर केस कर दिया है। इनफैक्ट सनोबर ने तो ये भी शक जताया है कि शायद इसीलिए एकता कपूर ने शो का जो प्रोमो है या शो की जो लॉन्च डेट है उसमें और प्रमोशंस में बहुत कम समय रखा, कुछ ही दिनों का प्रमोशन किया गया और तुरंत शो को शुरू किया जा रहा है ताकि कोई भी मुसीबत आने से पहले ये शो टीवी पर ऑन एयर हो जाए। लेकिन सनोबर कोशिश कर रही है कि शो पर वो स्टे ला सके। अभी आपको बता दें कि शो के कुछ कंटेस्टेंट्स जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। मुनव्वर जो कि कॉमेडियन है वो कन्फर्म है, पूनम पांडे कन्फर्म है, इसके अलावा निशा रावल कन्फर्म है, साथ ही बबीता फोगाट को लेकर भी प्रोमो आ चुका है। 27 फरवरी को ये शो शुरू होने जा रहा है, जेल के कंसेप्ट पर है और कंगना रनौत शो को होस्ट कर रही है। लेकिन उससे पहले ही शो पर चोरी का आरोप लग गया। ये पहली बार नहीं है जब एकता कपूर के किसी शो पर चोरी का आरोप लगा हो, इससे पहले भी एकता कपूर इसी तरह के आइडियाज चुराने के मामलों में फंस चुकी है।